First, write the question on heading. Write note on vernier caliper. वर्नियर कैलिपर पे नोट लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है. कुछ हेडिंग्स हैं जो आपके इस टॉपिक के अंदर लाजमी आनी चाहिए. एज इट इज़ आपने ये मटेरियल उठा के लिख नहीं देना, बल्कि विद हेडिंग्स हम चलेंगे. सबसे पहली हेडिंग आएगी हमारी, हेडिंग नहीं देनी, डेफिनेशन का वर्ड नहीं लिखना, लेकिन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्नियर कैलिपर को. वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन लिखें. सर ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है या आप खुद से करवा रहे हैं? एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन है. राइट अ नोट ऑन वर्नियर कैलिपर. आंसर स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से. डेफिनेशन का वर्ड नहीं लिखेंगे, सेंट्रलाइज्ड डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट. Used to measure length. Sir, ek dafa phir read kar de. It is an instrument used to measure length. With accuracy greater than a meter rule. It is an instrument used to measure length with accuracy greater than a meter rule. सर आपने accuracy के आगे क्या बोले? समझ नहीं आ रहा. With accuracy greater than a meter rule. Next heading hai construction. Is heading mein hum iske parts likhenge. Different parts hain, scales hain. बल्कि आपके डेफिनेशन से एक सेंटेंस मिस हुआ है, डेफिनेशन में ऐड करें. ऐड नहीं आ रहा. डेफिनेशन में एक सेंटेंस ऐड करें. It can measure outer diameter inner diameter and depth of a solid cylinder. सर आउटर के बाद आपने क्या बोला? डायमीटर, DIAMETER. आगे एंड
डेप्थ ऑफ ए हॉलो सिलेंडर? सर समझ नहीं आ रही आपकी आवाज कट रही है. डेप्थ ऑफ हॉलो सिलेंडर डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में लिखें इट कंसिस्ट्स ऑफ टू जॉज नेक्स्ट हेडिंग दें सब हेडिंग है फिक्स्ड जॉ इस सब हेडिंग में लिखें अ फिक्स्ड जॉ हैज सर ये सेंट्रलाइज करके तो नहीं ना लिखना फिक्स्ड जॉ का जो लिखना नहीं नहीं सेंट्रलाइज नहीं है अ फिक्स्ड जॉ हैज मैन स्केल अटैच टू इट नेक्स्ट हेडिंग है मूवेबल जॉ मूवेबल जॉ हैज मूविंग वर्नियर स्केल अटैच टू इट नेक्स्ट हेडिंग है स्केल्स की स्केल्स की हेडिंग देने के बाद फर्स्ट सब हेडिंग दें मैन स्केल और मैन स्केल की हेडिंग में लिखें डिटेल मैन स्केल हैज सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट द स्मॉलेस्ट डिवीजन On man's scale is 1 millimeter. Or 0.1 centimeter. Our next scale is vernier scale. Vernier scale has usually 10 divisions
ओवर एट such that each division is zero point nine millimeter. सर दोबारा वर्नियर स्केल वाली बोल दे। वर्नियर स्केल हैज यूजुअली 10 डिवीजंस ओवर 8 सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन is 0.9 millimeter. Yes. Sir, 10 division के आगे क्या ले? आपने बोला 10 division. Over 8 OVER. Such that each of its division is 0.9 millimeter. नेक्स्ट मैन हेडिंग है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की हेडिंग में सेंट्रलाइज डेफिनेशन लिखें लीस्ट काउंट की, जो ऑलरेडी आप लोगों को लिखवाई हुई है। द स्मॉलेस्ट रीडिंग और द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। वो डेफिनेशन यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, least count of vernier caliper is equal to smallest reading on man scale divided by number of divisions on vernier scale, aage calculation uski sari up to 0.01 centimeter. लेस काउंट में हमने उसकी डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूले से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है। ये तीनों चीज़ें लेस काउंट की हेडिंग में आएंगी। वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन के बाद फर्स्ट मैन हेडिंग थी कंस्ट्रक्शन की, सेकंड मैन हेडिंग थी लेस काउंट की और थर्ड मैन हेडिंग हम दे रहे हैं ज़ीरो एरर की। और ज़ीरो एरर की हेडिंग में आप पेज 11 फोर्थ लाइन, ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मैन स्केल। यहाँ तक आप लिखेंगे इफ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज zero error will exist if zero line of vernier scale is not coinciding with the zero of man scale. Zero error ki heading mein ye likhne ke baad heading denge, sub heading hai types of zero error. Number one type likhenge positive zero error. और पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन भी आप यहाँ से ही चूज करेंगे। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मैन स्केल। यहाँ तक पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग देंगे
नेगेटिव जीरो एरर, और सेम वर्डिंग में लिखेंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, जीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ द मैन स्केल. जीरो एरर की डेफिनेशन हो गई, उसकी टाइप्स दो होगी. नेक्स्ट हमारी मैन हेडिंग है. आप काइंडली अपने माइक ऑफ कर दिया करें कोई भी क्वेश्चन करने के बाद. नेक्स्ट मैन हेडिंग इज वर्किंग. वर्किंग में नंबर वन पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्ट वी फाइंड द जीरो एरर. By closing the jaws of vernier caliper, without placing any object. सर आपने विदाउट प्लेसिंग क्या क्या बोला है? एनी ऑब्जेक्ट पॉइंट टू है, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन साइड द सर दोबारा बोले, आवाज कट कट के आ रही थी आपकी. सेकंड पॉइंट है, प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द जॉज थर्ड पॉइंट आपका स्टार्ट होगा पेज नंबर 11. आपकी जो फिगर बनी हुई है वर्नियर कैलिपर की, उसके बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पॉइंट में आपने लिखना है, नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मैन स्केल पास द वर्नियर स्केल जीरो इन अ टेबुलर फॉर्म. नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मैन स्केल पास द वर्नियर स्केल जीरो. इस जीरो के बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है हम पार्ट पॉइंट थ्री डिस्कस कर रहे हैं, और जहां आपको ब्रैकेट बताया है वहां पे आपने लिखना है कैपिटल एक्स. और पॉइंट आपने एंड करना है इन अ टेबुलर फॉर्म पे. यस सर, जो भी आपने बताया ये ब्रैकेट वाला, ये प्लीज अगर आप रिपीट कर दें, समझ नहीं आई. आप लिख रही हैं थर्ड पॉइंट, नोट द कंप्लीट डिवीजन्स ऑफ मैन स्केल पास द वर्नियर स्केल जीरो. इस यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है और ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल एक्स, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है इन अ टेबुलर फॉर्म. ओके सर, थैंक यू.
ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है, और इधर हमने जीरो के बाद ब्रैकेट डाली है और उसमें लिखा है कैपिटल एक्स. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट फोर इज फाइंड द वर्नियर स्केल. इधर स्पेस है, स्पेस देंगे दा के बाद. फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मैन स्केल. और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है स्मॉल एन. पॉइंट टू के एंड पे ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉट पॉइंट टू, पॉइंट फोर स्मॉल एन. द नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड ऐड इन द मैन स्केल रीडिंग. दिस इज इक्वल टू द मैन स्केल रीडिंग के बाद आपने ब्रैकेट में लिखना है x प्लस नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. यहां तक आपने रखना है नेक्स्ट पॉइंट और ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल y इक्वल्स n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. पॉइंट फाइव आपने लिखना है जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. दिस इज पॉइंट फाइव और ब्रैकेट में इसके साथ लिखा है y इक्वल्स n टाइम्स लीस्ट काउंट. सर ये जो आपने स्टार सा कुछ बनाया हम इसकी जगह मल्टीप्लाई का जी जी लगाना ही मल्टीप्लाई का साइन है. ओके नेक्स्ट पॉइंट सिक्स इज एंड को छोड़ के आगे जो लिखा हुआ है एड इट इन द मैन स्केल रीडिंग. एड इट इन द मैन स्केल रीडिंग और उसके बाद ब्रैकेट में आपने लिखना है x प्लस y. यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिख दिया x प्लस वाई और पॉइंट को कंटिन्यू रखना है दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. द नेक्स्ट पॉइंट सेवन इज एड जीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट. और इस सेंटेंस के इस पॉइंट के एंड पे आपने जीरो करेक्शन ऐड कर देनी है. ब्रैकेट में लिखें एक्स प्लस वाई. क्या दिस इज इक्वल टू द के आगे क्या है. This is equal to the diameter of the cylinder. Sentence जहाँ पे complete हो रहा है यहाँ तक sentence पूरा लिखना है और next point 7 start हो जाएगा उसी से आगे. Writing आप बाद में करें, जो book में है उसको as it is रहने दें, उसके ऊपर ये चीज़ें note करते जाएं. Point 7 is इसी से आगे continue करें add zero correction to get correct measurement. और उसके बाद bracket में आपने ये लिख देना है x plus y plus zero correction. और लास्ट पॉइंट है एट, कंटिन्यू करें इसी से आगे. रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट थ्री ऑब्जर्वेशंस विद द सॉलिड सिलेंडर डिस्प्लेस्ड और रोटेटेड ईच टाइम. नेक्स्ट पॉइंट है जी एट्थ पॉइंट है.
वर्किंग में हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. फिगर आपने ऐड करनी है, फिगर 1.8. डेफिनेशन के बाद आपने फिगर बनानी है और फिगर 1.6 में जो पार्ट्स शो किए हुए हैं वो पार्ट्स आपने मेंशन करने हैं. सर वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन के बाद ये बनानी है जी डायग्राम. जी वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन के बाद डायग्राम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन से पहले. ओके और सर मैंने आपसे चीज पूछनी थी, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन के बाद हम लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर की हेडिंग देंगे? नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं लीस्ट काउंट. हम डिस्कशन सारी वर्नियर कैलिपर की कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट की हेडिंग दे दी, आगे सिंपल फार्मूला लिखें जैसे लिखा हुआ है बुक में. और सर एक दफा लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बोलते हैं. द स्मॉलेस्ट रीडिंग और द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, रीडिंग कहें या मेजरमेंट कहें, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट is called its least count. सर एक दफा कंस्ट्रक्शन बोल दें. कंस्ट्रक्शन की हेडिंग्स हैं, हमने तमाम हेडिंग्स फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, स्केल्स, मैन स्केल, वर्नियर स्केल और इनके बीच में जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो सारा उसके अंदर आएगा. यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो गया. सर आपने जो फिक्स जॉज और मूवेबल जॉज के जो सेंटेंस लगाए हैं वो रिपीट कर दें एक दफा. आप ऐसे करें, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसके लेक्चर एंड होने के बाद मेरे ख्याल से विद इन एन आवर ये अपलोड हो जाता है, पोस्ट के सेक्शन में एक्टिविटी में आ जाता है, वहाँ से आप सारे सेंटेंस दोबारा सुन सकते हैं. सर मैंने वहाँ से सुनने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं आता, वो कहता है कि आपको पता नहीं क्या डाउनलोड करना पड़ेगा ये फिर आएगा. माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के थ्रू वो चलता है, जैसे यूट्यूब है गूगल का, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का स्ट्रीम है, उसके थ्रू चलेगा. अपनी हॉटमेल की आईडी आप उस पर इंटर करके उसको यूज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. आई थिंक के कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर सुनते हैं, अगर वो यहाँ पे हैं तो इनको गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे सुन रहे हैं. नेक्स्ट पोर्शन इज क्विक क्विज. क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स के लिए आप वापस यहाँ पे आएंगे अपने टॉपिक के अंदर, और जो अभी मैंने आपको लीस्ट काउंट का लिखवाया है, डेफिनेशन है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला है और वैल्यू है, ये तमाम चीज़ें इसके आंसर में लिखें. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द वर्नियर कैलिपर यूज इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी. रेंज वो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. जैसे अभी इस टाइम पे जो वर्नियर कैलिपर आपके सामने शो हो रहा है इस पे 12 सेंटीमीटर इज मैक्सिमम रीडिंग. इट मींस इट्स रेंज इज 12 सेंटीमीटर. इसी तरह आपके लैब में, फिजिक्स लैब में जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है वो आई थिंक सो इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 3, हाउ मैनी डिवीजंस आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल. वर्नियर जो हमारा लैब का इंस्ट्रूमेंट है, जो लैब का वर्नियर कैलिपर है, उसके वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजंस हैं. उसके वर्नियर स्केल पे भी 10 डिवीजंस हैं. इसके आंसर में आप लिखते हैं 10 डिवीजंस.
क्वेश्चन फोर, व्हाई डू वी यूज जीरो करेक्शन? जीरो करेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट वी यूज जीरो करेक्शन टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट दिस इज द शॉर्ट आंसर. एग्जाम्पल 1.1 रफ वर्क के लिए कल दी थी. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन फिगर 1.8. फिगर 1.8 है, उसमें एक सिलेंडर प्लेस किया हुआ है, इसका आउटर डाया हमने मेजर करना है. इट मीन्स के ऑब्जेक्ट की सिलेंडर की रीडिंग लेने के लिए हमारे पास ये सिचुएशन है. जो वैल्यूज मैन स्केल पे नज़र आ रही हैं वो यहाँ से लेंगे, और वर्नियर स्केल की वैल्यूज भी सामने जो जहाँ पे जो लाइन मैच कर रही है वो नोट करेंगे. और इसी की स्टेटमेंट में अगर आप देखें फर्दर सॉल्यूशन में इन्होंने लिखा है, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स द पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल एज शोन इन फिगर 1.7b. इट मींस कि जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए या जीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए हम फिगर यूज करेंगे 1.7b. दिस इज फिगर 1.7 एंड दिस इज बी. 1.7b में जो फिगर आ रही है इससे हम जीरो एरर या जीरो करेक्शन फाइंड आउट करेंगे. मैन स्केल रीडिंग इज जीरो एंड वर्नियर स्केल सेवेंथ लाइन इज बेस्ट मैचिंग. इट मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन इज सेवन. टेबुलेटेड फॉर्म में आपको सॉल्व करने का कहा था. जीरो एरर आप बेशक विदाउट टेबल कर लें कैलकुलेट, लेकिन मैन जो कैलकुलेशन चलेगी उसके लिए टेबल बनाएं. जीरो एरर के लिए इसी फॉर्म में लिखते हैं, मैन स्केल रीडिंग इज 0.0 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में डिवीजन्स चल रही हैं, सेंटीमीटर में हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं. वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मैन स्केल इज सेवेंथ डिवीजन. और नेक्स्ट स्टेप इज वी मल्टीप्लाई दिस वर्नियर डिवीजन विद लीस्ट काउंट. सेंटीमीटर में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है और 0.07 सेंटीमीटर आंसर आया है वर्नियर स्केल की रीडिंग का. नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखा था अपने वर्किंग में उसमें यही था कि मैन स्केल की रीडिंग जिसको एक्स हमने कहा था वो ऐड करनी है इस रीडिंग के साथ. नेक्स्ट स्टेप में वो ऐड हुई है. और प्लस क्यों लिखा है इस फिगर को देखते हुए? फिगर बी, क्योंकि हमारी वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन जो है वो राइट साइड पे है मैन स्केल की ज़ीरो लाइन से. दैट्स व्हाई दिस ज़ीरो एरर इज प्लस 0.07. और ज़ीरो करेक्शन है नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर. अगर इस वैल्यू का हम नेगेटिव लें तो वो आती है माइनस 0.07 सेंटीमीटर. इसके बाद हम मूव करेंगे टेबल पे. एक्चुअल जो रीडिंग लेनी है उसके लिए आपको कहा था टेबल बनाएं. ऐसा एक टेबल आप अपनी कॉपी से बनाएंगे. फिगर 1.8 को देखते हुए हमने रीडिंग्स नोट करनी है. दिस इज फिगर 1.8 और हम यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर का. मैन स्केल रीडिंग है दिस इज कंप्लीट 2 सेंटीमीटर, 2.1 एंड 2.2 सेंटीमीटर. वर्नियर स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पे
जो हमें श्योर वैल्यू है वो 2.2 सेंटीमीटर है. इट मीन्स मैन स्केल रीडिंग इज 2.2 सेंटीमीटर. Next, we check which line is coinciding with vernier scale. यहाँ पर बेस्ट मैचिंग लाइन जो है वो लाइन 4 है. बुक में जो एग्जांपल सॉल्व हुई भी है उसमें उन्होंने 6 लिखी हुई है, लेकिन अगर हम जूम करके इसको देखें तो फोर्थ लाइन हमारे पास एग्जैक्ट मैच कर रही है. आपको जो फिगर दी जाएगी आपने उसको देखना है कि उस पर कौन सी लाइन बेस्ट मैच कर रही है. अगर सिक्स लाइन हुई आपने सिक्स लाइन लेनी है, अगर फोर्थ लाइन हुई तो आपने फोर्थ लाइन लेनी है. Now we take vernier scale division is 4. रीडिंग जो हमने इंस्ट्रूमेंट से लेनी थी वो ले ली है. अब हमारी आगे कैलकुलेशन है. हमने इस n को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से. 4 मल्टीप्लाई बाय 0.01 विल गेट 0.04 सेंटीमीटर. इस y को हमने ऐड करना है एक्स में मैन स्केल की रीडिंग में. 2.2 प्लस 0.04 इट इज इक्वल टू 2.24 सेंटीमीटर. हमारे पास ये मेजरमेंट आ चुकी है जो इस टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, लेकिन हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है और वो ज़ीरो एरर है 0.07 वैल्यू का. तो उस ज़ीरो करेक्शन को हम अपने इस आंसर में ऐड करेंगे तब हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये ऑब्जर्व मेजरमेंट है जो हमने ऑब्जर्व की है ये सिलेंडर रख के इस इंस्ट्रूमेंट से. करेक्ट मेजरमेंट क्या है, हम इसकी इस इंस्ट्रूमेंट में जो ज़ीरो एरर था ये ज़ीरो करेक्शन थी हम उसको इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट आएगी. तो एक्स प्लस वाई इज दिस. एक्स प्लस वाई में हमने ज़ीरो करेक्शन ऐड करनी है. 2.24 प्लस ज़ीरो करेक्शन इज माइनस 0.07 एंड वी गेट द आंसर. मैंने आपको जो फिगर दिखाई है उसमें बेस्ट मैचिंग लाइन 4 थी, इसलिए मैंने नंबर ऑफ डिवीजन 4 ली है. अगर आपके पास बुक में 6 डिवीजन मैच कर रही है तो आप 6 ही लेंगे. ये कैलकुलेशन हो गई है जो हमें एक फिगर दी हुई थी उससे हमने कैलकुलेशन ये सारी की हैं और वही स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं जो हमने वर्किंग में टेकिंग रीडिंग में हमने वर्नियर कैलिपर के लॉन्ग क्वेश्चन में लिखे हैं 8 पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया है. एक्सपेरिमेंट करते हुए हम इस जो लास्ट पॉइंट है कि रिपीट द होल प्रोसेस होल प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस. ये हमने एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली है. ज़ीरो एरर हमने कैलकुलेट कर दिया इंस्ट्रूमेंट का, वो ठीक है वो करेक्ट है. उसके बाद अभी हमने एक ऑब्जर्वेशन ली है इस सिलेंडर का डायमीटर मेजर करने के लिए. नेक्स्ट क्या हम करेंगे, हमारे पास अगर इंस्ट्रूमेंट मौजूद हो, ये सिलेंडर मौजूद हो, हम इस सिलेंडर की पोजिशन थोड़ी चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करा के देख लेंगे और फिर वापस सारा यही प्रोसीजर करेंगे, यही सारी कैलकुलेशन चलेंगी. वो दूसरी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी और फिर हम थर्ड ऑब्जर्वेशन लेंगे, दोबारा से इस सिलेंडर को थोड़ा रोटेट करा के किसी और पोजीशन पर रखेंगे ताकि अगर हमारी रीडिंग लेते हुए ये बेस्ट मैचिंग लाइन
काउंट करते हुए कोई अगर मिस्टेक हो गई हो, या फिर इस सिलेंडर के डायामीटर में कोई स्लाइट सा डिफरेंस हो, वो किसी और जगह से कवर हो सकता हो, तो हम इसकी पोजीशंस चेंज करके ले सकते हैं। एट लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद हम उनकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, इन 3 वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 पे, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करने के लिए। Now you will solve this example on your NAT register in this way. 2 or 3 आप छोड़ दें, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है और ना ही सिलेंडर है, इसलिए हमने एक ही ऑब्जर्वेशन ली है और उसी को कैलकुलेट कर लिया है। एनी क्वेश्चन? योर होमवर्क इज क्या है सर? हमें जीरो करेक्शन फाइंड करनी है, फिर डायमीटर करना है ना? जी जी योर होमवर्क इज 1 लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन वर्नियर कैलिपर। Second part is quick quiz, 4 questions and their answer. And third part is example 1.1. तो शायद कल भी इसी टाइमिंग पे क्लास होगी ना? जी संडे का ऑफ है, बाकी होल वीक जो है वो वीकडेज में यही टाइमिंग है इंशाल्लाह। ओके सर। ओके सर। यस प्लीज सर, एग्जांपल 1.1 का हम क्वेश्चन लिख के तो फिर ये सॉल्व करेंगे। जी एग्जांपल 1.1 का आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके। और जो स्टार्टिंग में हमने जीरो करेक्शन किया था वो भी लिखना? जी जी वो लिखना है, एज इट इज लिखना है। सिर्फ सेकंड पार्ट जो है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, उसके लिए मैंने आपको टेबुलेटेड फॉर्म में सॉल्व कराया है। और कीप इन माइंड के आपकी बुक में जो बेस्ट मैचिंग लाइन है वही आपने नोट करनी है।